वन आज के वीडियो हम करने वाले हैं अंग्रेजी व्याकरण। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में सीखने वाले हैं का से ज्ञा तक, ये इनको इंग्लिश में कैसे प्रनाउंस करेंगे और कैसे लिखा जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएंगे, गारंटी है। इसको देखकर आपको लिखना आ ही जाएगा और बोलना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं दो क्विज भी दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। इन वर्डों को देखकर आप इंग्लिश लिख पाएंगे इजीली, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली जो है आप कोई भी पैराग्राफ होगा तो इजीली उसको लिख पाएंगे इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ण है का की बारह खड़ी। का को लिखते हैं के रूप में, का बड़े का को लिखते हैं के और ए के रूप में, का के और ए। का की मतलब जब छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो तो कैसे लिखेंगे की को, के और आई, की के और आई। अगर बड़े ई की मात्रा लगी हुई हो की पर तो लिखेंगे के डबल ई, की के डबल ई, की। नेक्स्ट है कू, जब छोटे ओ की मात्रा लगी हुई हो कू पर तो इंग्लिश में लिखेंगे के और यू, कू के और यू। नेक्स्ट है कू, जब बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे इंग्लिश में के डबल ओ, कू के डबल ओ, कू। नेक्स्ट है के, जब छोटे की मात्रा लगी हुई हो का पर तो लिखेंगे इंग्लिश में के और ई, के। नेक्स्ट है कई, जब बड़े की मात्रा लगी हुई हो तो इंग्लिश में लिखेंगे के ए आई, कई के ए आई, कई। नेक्स्ट है को, जब छोटे ओ की मात्रा लगी हुई हो तो इंग्लिश में लिखेंगे के और ओ, को के और ओ, को। नेक्स्ट है कौ, कौ को लिखेंगे इंग्लिश में के ए यू, कौ, जब बड़े ओ की मात्रा लगी हुई हो को पर तो लिखेंगे ए यू, कौ। नेक्स्ट है कन, तो कन को लिखेंगे के ए एन, कन। कम भी बोल सकते हैं तो लिखेंगे के ए एम, कम। नेक्स्ट है कहा, जब भी दो बिंदी लगी हुई हो साइड पर तो उसे हा के रूप में प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में लिखेंगे के ए एच, कहा के ए एच, कहा। नेक्स्ट है खा की बारह खड़ी। खा को किस रूप में लिखा जाएगा इंग्लिश में, पहले छोटे खा को देखते हैं। खा को लिखेंगे के और एच के रूप में, खा। अगर बड़े खा को लिखना मतलब जो आगर अंडा लगा हुआ हो तो लिखेंगे इंग्लिश में के एच ए, खा के एच ए, खा। नेक्स्ट है खी, जब छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो खी पर तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे के एच आई, खी के एच आई, खी। नेक्स्ट है खी, मतलब जब बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो खी पर तो लिखेंगे के एच डबल ई, खी के एच डबल ई, खी। नेक्स्ट है खू, छोटे ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे इंग्लिश में के एच यू, खू के एच यू, खू। नेक्स्ट है जब बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे इंग्लिश में के एच डबल ओ, खू के एच डबल ओ, खू। नेक्स्ट है खे, जब ए की मात्रा लगी हुई है खे पर तो लिखेंगे के एच ई, के एच ई, खे। नेक्स्ट है खाई, तो खाई को लिखेंगे के एच ए आई के रूप में, खाई, जब बड़े ए की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे के एच ए आई, खई। नेक्स्ट है खो, खो को लिखेंगे इंग्लिश में के एच ओ, खो के एच ओ, खो। नेक्स्ट है खाओ, जब बड़े ओ की मात्रा लगी हुई हो तो इंग्लिश में लिखेंगे के एच ए यू, के एच ए यू, खाओ। नेक्स्ट है खन, खन जब बिंदी लगी हुई हो खा पर तो लिखेंगे इसे इंग्लिश में के एच ए एन, खन के ए, के एच ए एन, खन। नेक्स्ट है खा, तो खा को लिखेंगे इंग्लिश में के एच ए एच, के एच ए एच, खा। जब हा प्रनाउंस करते हैं दो बिंदु जब लगी हुई हो खा के बराबर में तो लिखेंगे के एच ए एच, खा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है गा की बारह खड़ी। गा की बारह खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जैसे कि गा, तो गा को लिखेंगे जी के रूप में, गा जी। नेक्स्ट है गा, जब आ का डंडा लगा हुआ हो गा पर तो लिखेंगे जी और ए के रूप में, गा गा गा, जी और ए, गा। नेक्स्ट है गी, जब छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे इंग्लिश में जी और आई, गी जी और आई, गी। नेक्स्ट है गी, गी जब बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो तो इंग्लिश में लिखेंगे जी डबल ई, गी जी डबल ई, गी। नेक्स्ट है गु, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई हो तो उसे इंग्लिश में लिखेंगे जी और यू, गु जी यू, गु। नेक्स्ट है गु, जब बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई हो तो उसे इंग्लिश में लिखेंगे जी डबल ओ, गु जी डबल ओ, गु। नेक्स्ट है गे, जब छोटे ए की मात्रा है तो लिखेंगे जी और ई, गे जी और ई, गे। नेक्स्ट है गई, जब बड़े ए की मात्रा लगी हुई हो तो इंग्लिश में लिखेंगे जी ए आई, गई जी ए आई, गई। गो, गो को लिखेंगे जी और ओ के रूप में, गो। नेक्स्ट है गौ, गौ को इंग्लिश में लिखेंगे जी ए यू, गौ
GAU, गव। नेक्स्ट है गन, गन को लिखेंगे इंग्लिश में GAN, गन। GAN, गन। नेक्स्ट है गह, गह को इंग्लिश में लिखेंगे GAH, गह। GAH, गह। नेक्स्ट है घा की बारह खड़ी, घा, घा को लिखेंगे इंग्लिश में जी और एच, अगर नॉर्मल घा है तो, अगर आका डंडा लगा हुआ है तो लिखेंगे घा को इंग्लिश में जी एच ए, घा, जी एच ए, घा। नेक्स्ट है घी, घी को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच आई, घी, जी एच आई, घी। नेक्स्ट है घी, जब बड़ी की मात्रा है तो इंग्लिश में लिखेंगे जी एच डबल ई, जी एच डबल ई, घी। नेक्स्ट है घू, घू को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच यू, घू, जी एच यू, घू। नेक्स्ट है घू, जी एस डबल ओ, घू, जी एच डबल ओ, घू। नेक्स्ट है घे, घे को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ई, घे, जी एच ई, घे। नेक्स्ट है घई, घई को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए आई, घई, जी एच ए आई, घई। नेक्स्ट है घो, लिखेंगे जी एच ओ, घो, जी एच ओ, घो। नेक्स्ट है घो, घो को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए यू, जी एच ए यू, घो। नेक्स्ट है घन, घन को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए एन, घन, जी एच ए एन, घन। नेक्स्ट है घ, जब हापन नाउन से दो बिंदी लगी हूँ तो उसे इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए एच, जी एच ए एच, घ, जी एच ए एच, घ। नेक्स्ट है चा की बारह खड़ी, चा को इंग्लिश में लिखेंगे जैसे कि नॉर्मल चा है तो लिखेंगे सी एच, चा, चा को किस रूप में प्रनाउंस करेंगे, सी और एच के रूप में, चा, अगर आकर डंडा लगा हुआ हो चा के आगे तो लिखेंगे सी एच ए, चा, सी एच ए, चा। नेक्स्ट है ची, ची को इंग्लिश में लिखेंगे सी एच आई, ची, सी एच आई, ची। नेक्स्ट है ची, ची को इंग्लिश में लिखेंगे सी एस डबल ई, ची, सी एस डबल ई, ची। नेक्स्ट है चू, चू को इंग्लिश में लिखेंगे सी एच यू, चू, सी एच यू, चू। नेक्स्ट है चू, चू को इंग्लिश में लिखेंगे सी एच डबल ओ, सी एच डबल ओ, चू। नेक्स्ट है चे, चे को इंग्लिश में प्रनाउंस करेंगे सी एच ई, सी एच ई, चे। नेक्स्ट है चई, चई को इंग्लिश में लिखेंगे सी एच ए आई, सी एच ए आई, चई। नेक्स्ट है चो, चो को लिखेंगे सी एच ओ, सी एच ओ, चो। नेक्स्ट है चौ, चौ को लिखेंगे इंग्लिश में सी एच ए यू, सी एच ए यू, चौ। नेक्स्ट है चन, सी एच ए एन, सी एच ए एन, चन। नेक्स्ट है चाह, चाह को लिखेंगे सी एच ए एच, सी एच ए एच, चाह। नेक्स्ट है छा की बारह खड़ी, छा को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच, छा, सी डबल एच, छा। नेक्स्ट है छा, तो छा को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच ए, सी डबल एच ए, छा। नेक्स्ट है छी, तो छी को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच आई, छी, सी डबल एच आई, छी। नेक्स्ट है छी, सी डबल एच डबल ई, सी डबल एच डबल ई, छी। नेक्स्ट है छू, छू को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच यू, छू, सी डबल एच यू, छू। नेक्स्ट है छू, तो छू को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच डबल ओ, सी डबल एस डबल ओ, छू। नेक्स्ट है छे, तो छे को लिखेंगे सी डबल एच ई, सी डबल एच ई, छे। नेक्स्ट है छई, तो छे को, छई को लिखेंगे सी डबल एच ए आई, छई, सी डबल एच ए आई, छई। नेक्स्ट है छो, तो छो को लिखेंगे सी डबल एच ओ, छो, सी डबल एच ओ, छो। नेक्स्ट है छो, तो छो को लिखेंगे सी डबल एच ए यू, सी डबल एच ए यू, छो। नेक्स्ट है छन, तो छन को लिखेंगे सी डबल एच ए एन, छन, सी डबल एच ए एन, छन। नेक्स्ट है छह, तो छह को लिखेंगे सी डबल एच ए एच, सी डबल एच ए एच, छह। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसकी प्रैक्टिस करें बार बार तो आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट है जा, जा की बारह खड़ी, तो जा को लिखेंगे नॉर्मल जा को जा, जे के रूप में, जा, जा। नेक्स्ट है जा, तो जा को लिखेंगे जे और ए, जा, जे और ए, जा। नेक्स्ट है जी, तो जी को लिखेंगे जे और आई, जे आई, जी। नेक्स्ट है जी, जे डबल ई, जी, जे डबल ई, जी। नेक्स्ट है जू, जू को लिखेंगे जे और यू के रूप में, जू। नेक्स्ट है जू, तो जू को लिखेंगे जे डबल ओ, जू, जे डबल ओ, जू। नेक्स्ट है जे, तो जे को लिखेंगे जे और ई, जे और ई, जे। नेक्स्ट है जय, तो जय को लिखेंगे जे ए आई, जे ए आई, जय। नेक्स्ट है जो, तो जो को लिखेंगे जे और ओ के रूप में, जो। नेक्स्ट है जौ, तो जौ को लिखेंगे जे ए यू, जौ, जे ए यू, जौ। नेक्स्ट है जन, तो जन को लिखेंगे जे ए एन, जे ए एन, जन। नेक्स्ट है जहा, तो जहा को लिखेंगे जे ए एच, जे ए एच, जहा।
नेक्स्ट है झाकी बारा खड़ी, झाकी बारा खड़ी, तो झा को लिखेंगे जे एच के रूप में, झा जे एच झा। नेक्स्ट है झा, तो झा को लिखेंगे जे एच ए, जे एच ए झा। नेक्स्ट है जी, तो जी को लिखेंगे जे एच आई, जी जे एच आई जी। नेक्स्ट है जी, तो जी को लिखेंगे जे एच डबल ई, जी जे एच डबल ई जी। नेक्स्ट है झू, तो झू को लिखेंगे जे एच यू, झू जे एच यू झू। नेक्स्ट है झू, तो झू को लिखेंगे जे एस डबल ओ, झू जे एस डबल ओ झू। नेक्स्ट है झे, तो झे को लिखेंगे जे एच ई, जे एच ई झे। नेक्स्ट है झई, तो झे को लिखेंगे जे एच ए आई, झई जे एच ए आई झई। नेक्स्ट है झो, तो झो को लिखेंगे जे एच ओ, जे एच ओ झो। नेक्स्ट है झो, झो को लिखेंगे जे एच ए यू, जे एच ए यू झो। नेक्स्ट है झन, तो झन को लिखेंगे जे एच ए एन, जे एच ए एन झन। नेक्स्ट है झा, तो झा को लिखेंगे जे एच ए एच, जे एच ए एच झा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टा की बारा खड़े, तो टा को इंग्लिश में लिखेंगे टी के रूप में, टा टी। नेक्स्ट है टा, तो टा को इंग्लिश में लिखेंगे टी और ए, टा टी ए टा। नेक्स्ट है टी, तो टी को इंग्लिश में लिखेंगे टी और आई, टी टी आई टी। नेक्स्ट है टी, तो टी को लिखेंगे टी डबल ई, टी टी डबल ई टी। नेक्स्ट है टू, तो टू को इंग्लिश में लिखेंगे और यू, टू टी यू टू। नेक्स्ट है टू, तो टू को लिखेंगे टी डबल ओ, टू टी डबल ओ टू। नेक्स्ट है टे, तो टे को लिखेंगे टी और ई के रूप में, टे टी और ई टे। नेक्स्ट है टाई, तो टाई को लिखेंगे टी ए आई, टाई टी ए आई टाई। नेक्स्ट है टो, तो टो को लिखेंगे टी और ओ, टी ओ टो। नेक्स्ट है टाओ, तो टाओ को लिखेंगे टी ए यू, टाओ टी ए यू टाओ। नेक्स्ट है टन, तो टन को लिखेंगे टी ए एन, टन टी ए एन टन। नेक्स्ट है टहा, तो टहा को लिखेंगे टी ए एच, टी ए एच टहा। नेक्स्ट है था की बारा खड़े, था को इंग्लिश में लिखेंगे टी और एच, टहा टी और एच था। नेक्स्ट है था, तो था को लिखेंगे टी एच ए, टी एच ए था। नेक्स्ट है थी, तो थी को लिखेंगे टी एच आई, टी एच आई थी। नेक्स्ट है थी, तो थी को लिखेंगे टी एच डबल ई, थी टी एच डबल ई थी। नेक्स्ट है थू, तो थू को लिखेंगे टी एच यू, थू टी एच यू थू। नेक्स्ट है थू, जब बड़े ओ की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे टी एच डबल ओ, टी एच डबल ओ थू। नेक्स्ट है थे, ये टी एच ई थे, टी एच ई थे। नेक्स्ट है थाई, तो थाई को लिखेंगे टी एच ए आई, टी एच ए आई थाई। नेक्स्ट है थो, तो थो को लिखेंगे टी एच ओ, थो टी एच ओ थो। नेक्स्ट है थाओ, तो थाओ को लिखेंगे टी एच ए यू, टी एच ए यू थाओ। नेक्स्ट है थन, तो थन को लिखेंगे टी एच ए एन, टी एच ए एन थन। नेक्स्ट है था, तो था को लिखेंगे टी एच ए एच, टी एच ए एच था। नेक्स्ट है डा की बारा खानी, तो डा की बारा खानी को डा को लिखेंगे इंग्लिश में डी के रूप में, डा डी। नेक्स्ट है डा, तो डा को लिखेंगे डी और ए के रूप में, डी ए डा। नेक्स्ट है डी, तो डी को लिखेंगे डी और आई, डी डी आई डी। नेक्स्ट है डी, तो डी को लिखेंगे डी डबल ई, डी डी डबल ई डी। नेक्स्ट है डू, तो डू को लिखेंगे डी यू, डू डी यू डू। नेक्स्ट है डू, तो डू को लिखेंगे डी डबल ओ, डू डी डबल ओ डू। नेक्स्ट है डे, तो डे को लिखेंगे डी ई, डी ई डे। नेक्स्ट है डे, तो डे को लिखेंगे डी ए आई, डी ए आई डे। नेक्स्ट है डो, डो को इंग्लिश में लिखेंगे डी ओ, डो डी ओ डो। नेक्स्ट है डाउ, तो डाउ को लिखेंगे डी ए यू, डाउ डी ए यू डाउ। नेक्स्ट है डन, तो डन को लिखेंगे डी ए एन, डन डी ए एन डन। नेक्स्ट है डह, तो डह को इंग्लिश में लिखेंगे डी ए एच, डी ए एच डह। डह मतलब जो दो बिंदी लगी हुई है, तो उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं, डी ए एच डह। नेक्स्ट है ढ, ढ की बारह खड़ी, ढा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, ढा को लिखते हैं डी और एच के रूप में, ढा डी एच ढ। नेक्स्ट है ढा, तो ढा को लिखेंगे डी एच ए, ढा डी एच ए ढा। नेक्स्ट है ढी, तो ढी को लिखेंगे डी एच आई, ढी डी एच आई डी। नेक्स्ट है ढी, डी एच डबल ई, ढी डी एच डबल ई डी। नेक्स्ट है ढू,
डू को लिखेंगे डी एच यू डू डी एच यू डू. नेक्स्ट है ढू, तो ढू को लिखेंगे डी एस डबल ओ डी एस डबल ओ डू. नेक्स्ट है ढे, तो ढे को लिखेंगे डी एच ई ढे डी एच ई ढे. नेक्स्ट है ढई, तो ढई को लिखेंगे डी एच ए आई डी एच ए आई ढई. नेक्स्ट है ढो, तो ढो को लिखेंगे डी एच ओ ढो डी एच ओ ढो. नेक्स्ट है ढव, तो ढव को लिखेंगे डी एच ए यू डी एच ए यू ढव. नेक्स्ट है धन, तो धन को लिखेंगे डी एच ए एन धन डी एच ए एन धन. है धा, तो धा को इंग्लिश में लिखेंगे डी एच ए एस धा डी एच ए एस धा. नेक्स्ट है ना की बारह खानी, ना को इंग्लिश में लिखते हैं एन के रूप में ना एन. नेक्स्ट है ना, तो ना को लिखेंगे एन ए ना. नेक्स्ट है नी एन आई नी नी एन आई नी. नेक्स्ट है नी एन डबल ई नी एन डबल ई नी. नेक्स्ट है नू, तो नू को लिखेंगे एन यू के रूप में नू एन यू नू. नेक्स्ट है नू, तो नू को लिखेंगे एन डबल ओ नू एन डबल ओ नू. नेक्स्ट है ने, तो ने को लिखेंगे एन ई ने. नेक्स्ट है नई, तो नई को लिखेंगे एन ए आई नई एन ए आई नई. नेक्स्ट है नो एन ओ नो एन ओ नो. नेक्स्ट है नो, तो नो को लिखेंगे एन ए यू एन ए यू नो. नेक्स्ट है नन, तो नन को लिखेंगे एन ए एन नन एन ए एन नन. नेक्स्ट है नहा, तो नहा को लिखेंगे एन ए एच नहा. नेक्स्ट है की बारह खानी, तो ता को इंग्लिश में लिखते हैं टी के रूप में ता टी. नेक्स्ट है ता, तो ता को लिखेंगे टी ए ता टी ए ता. नेक्स्ट है टी, तो टी को लिखेंगे टी आई टी टी आई टी. नेक्स्ट है टी, तो टी को लिखेंगे टी डबल ई टी टी डबल ई टी. नेक्स्ट है टू, तो टू को लिखेंगे टी यू टू टी यू टू. नेक्स्ट है टू, टू को लिखेंगे टी डबल ओ टू टी डबल ओ टू. ते, तो ते को लिखेंगे टी ई टे टी ई टे. नेक्स्ट है तई, तो तई को लिखेंगे टी ए आई तई टी ए आई तई. नेक्स्ट है तो, तो तो को लिखेंगे टी और ओ के रूप में तो तो. नेक्स्ट है तव, तो तव को लिखेंगे टी ए यू तव टी ए यू तव. नेक्स्ट है तन, तो तन को लिखेंगे टी ए एन तन टी ए एन तन. नेक्स्ट है तह, तो तह को लिखेंगे टी ए एच ए एच तह टी ए एच तह. नेक्स्ट है था की बारह खानी, था को इंग्लिश में लिखते हैं टी और एच के रूप में था टी एच था. नेक्स्ट है था, तो था को लिखेंगे टी एच ए था टी एच ए था. नेक्स्ट है थी, तो थी को लिखेंगे टी एच आई थी टी एच आई थी. नेक्स्ट है थी, तो थी को लिखेंगे टी एच डबल ई थी टी एच डबल ई थी. नेक्स्ट है थू, थू को लिखेंगे टी एच यू थू टी एच यू थू. नेक्स्ट है थू, थू को लिखेंगे टी एच डबल ओ थू टी एच डबल ओ थू. नेक्स्ट है थे, तो थे को लिखेंगे टी एच ई थे टी एच ई थे. नेक्स्ट है थई, थई को लिखेंगे टी एच ए आई थई टी एच ए आई थई. नेक्स्ट है थो, थो को लिखेंगे टी एच ओ थो टी एच ओ थो. नेक्स्ट है थौ, थौ को लिखेंगे टी एच ए यू थौ टी एच ए यू थौ. नेक्स्ट है थन, था और थान था के रूप में प्रनाउंस करते हैं, तो थन को लिखेंगे टी एच ए एन थन टी एच ए एन थन. नेक्स्ट है था, था को इंग्लिश में लिखेंगे टी एच ए एच टी एच ए एस था. नेक्स्ट है दा की बारह खड़ी, दा की बारह खड़ी डी से प्रनाउंस करते हैं, तो दा को लिखेंगे डी के रूप में द डी. अगर आ का डंडा लगा हुआ हो तो लिखेंगे द डी ए द डी ए द. नेक्स्ट है डी, तो डी को लिखेंगे डी आई डी डी आई डी. नेक्स्ट है डी, तो डी को लिखेंगे डी डबल ई डी डी डबल ई डी. नेक्स्ट है डू को लिखेंगे डी और यू डू डी यू डू. नेक्स्ट है डू, डी डबल ओ डू डी डबल ओ डू. नेक्स्ट है दे, तो दे को लिखेंगे डी ई दे डी ई दे. नेक्स्ट है दई, तो दई को लिखेंगे डी ए आई दई डी ए आई दई. नेक्स्ट है दो, तो दो को लिखेंगे डी और ओ के रूप में डो डी ओ डो. नेक्स्ट है दो, तो दो को लिखेंगे डी ए यू दो डी ए यू दो. नेक्स्ट है दन, तो दन को इंग्लिश में लिखेंगे डी ए एन दन डी ए एन दन. नेक्स्ट है दहा, तो दहा को इंग्लिश में लिखेंगे डी ए एच डी ए एच दहा. जब भी दा के आ गया दो बिंदी लगी हुई हो तो उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं, जैसे कि दहा, तो दहा को लिखेंगे डी ए एच दहा डी ए एच दहा.
एंड नेक्स्ट वर्ड है धा, धा की बारह खड़ी। धा को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं डी और एच के रूप में, जैसे नॉर्मल धा लिखना है तो लिखेंगे डी एच धा। नेक्स्ट है धा, जब आकर डंडा लगा हुआ हो तो लिखते हैं डी एच ए धा, डी एच ए धा। नेक्स्ट है धी, तो धी को लिखेंगे डी एच आई धी, डी एच आई धी। नेक्स्ट है धी, तो धी को लिखेंगे डी एच डबल ई धी, डी एच डबल ई धी। नेक्स्ट है धू, धू को लिखेंगे डी एच यू धू, डी एच यू धू। नेक्स्ट है धू, तो धव को लिखेंगे डी एच डबल ओ। धा और धा के रूप में प्रनाउंस करते हैं धा को, तो लिखते हैं इंग्लिश में डी एच डबल ओ धू। नेक्स्ट है धे, तो धे को इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ई धे, डी एच ई धे। नेक्स्ट है धई, तो धई को लिखते हैं डी एच ए आई, डी एच ए आई धई। नेक्स्ट है धो, तो धो को लिखते हैं डी एच ओ, डी एच ओ धो। नेक्स्ट है धव, तो धव को इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए यू, डी एच ए यू धव। नेक्स्ट है धन, तो धन को इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए एन, डी एच ए एन धन। नेक्स्ट है धा, जब दो बिंदी लगे हुए हों धा के आगे तो उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं, तो उसे इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए एच, डी एच ए एच धा। नेक्स्ट है ना के बारह खड़े, तो ना को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं एन के रूप में, जैसे कि नॉर्मल ना लिखना हो तो ना को लिखते हैं एन, एन ना। नेक्स्ट है ना, जब आ की मात्रा लगी हुई हो ना पर तो लिखते हैं इंग्लिश में एन और ए ना, एन ए ना। नेक्स्ट है नी, नी को लिखेंगे एन आई नी, एन आई नी। नेक्स्ट है नी, एन डबल ई नी, एन डबल ई नी। नेक्स्ट है नो, नो को लिखेंगे एन यू नो, एन यू नो। नेक्स्ट है नो, एन डबल ओ नो, एन डबल ओ नो। नेक्स्ट है ने, एन ई ने, एन ई ने। नेक्स्ट है नई, नई को लिखेंगे एन ए आई नई, एन ए आई नई। नेक्स्ट है नो, तो नो को लिखेंगे एन और ओ नो, एन ओ नो। नेक्स्ट है नव, नव को लिखेंगे एन ए यू नव, एन ए यू नव। नेक्स्ट है नन, तो नन को लिखेंगे एन ए एन, तो ना के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ना के रूप में प्रनाउंस करते हैं एन ए एन नन। नेक्स्ट है नहा, तो नहा को लिखेंगे एन ए एच नहा, एन ए एच नहा। नेक्स्ट वर्ड है पा की बारह खड़ी। पा की बारह खड़ी को प्रनाउंस करते हैं पी को, पा को पी के रूप में, जैसे नॉर्मल पा लिखना हो तो ओनली पी लिखते हैं पा पा। नेक्स्ट है पा, जब आ की मात्रा लगी हुई हो पा पर तो लिखते हैं पी और ए पा, पी ए पा। नेक्स्ट है पी, पी आई पी, पी आई पी। नेक्स्ट है पी, पी डबल ई पी, पी डबल ई पी। नेक्स्ट है पू, तो पू को लिखेंगे पी यू पू, पी यू पू। नेक्स्ट है पू, तो पू को लिखेंगे पी डबल ओ पू, पी डबल ओ पू। नेक्स्ट है पे, पे को लिखेंगे पी और ई पी ई पे। नेक्स्ट है पाई, पाई को लिखेंगे पी ए आई पाई, पी ए आई पाई। नेक्स्ट है पो, तो पो को इंग्लिश में लिखेंगे पी और ओ पो, पी ओ पो। नेक्स्ट है पाओ, पाओ को इंग्लिश में लिखेंगे पी ए यू पाओ, पी ए यू पाओ। नेक्स्ट है पन, पन को इंग्लिश में लिखेंगे पी ए एन पन, पी ए एन पन। नेक्स्ट है पहा, तो पहा को लिखेंगे पी ए एच, पी ए एच पहा। नेक्स्ट वर्ण है फ्वा की बारह खड़ी। फ्वा को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं पी एच के रूप में, अगर नॉर्मल फ्वा लिखना हो तो लिखेंगे पी एच फ्वा, पी एच फ्वा। नेक्स्ट है फ्वा, जब आ की मात्रा लगी हो तो लिखते हैं पी एच ए फ्वा, पी एच ए फ्वा। नेक्स्ट है फी, फी को लिखेंगे पी एच आई फी, पी एच आई फी। नेक्स्ट है फी, तो फी को लिखेंगे पी एच डबल ई फी, पी एच डबल ई फी। नेक्स्ट है फू, फू को लिखेंगे पी एच यू के रूप में फू, पी एच यू फू। नेक्स्ट है फू, पी एच डबल ओ, पी एच डबल ओ फू। फे, पी एच ई फे, पी एच ई फे। नेक्स्ट है फाई, फाई को लिखेंगे पी एच ए आई फाई, पी एच ए आई फाई। नेक्स्ट है फो, फो लिखेंगे पी एच ओ के रूप में फो, पी एच ओ फो। नेक्स्ट है फो, फो लिखेंगे पी एच ए यू फो, पी एच ए यू फो। नेक्स्ट है फन, फन लिखेंगे पी एच ए एन, पी एच ए एन फन। नेक्स्ट है फहा, जब बिंदी लगी हुई हो तो लिखते हैं पी एच ए एच, पी एच ए एच पहा। नेक्स्ट है बा की बारह खड़ी। बा को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं बी के रूप में, अगर नॉर्मल बा लिखना हो तो बी लिखते हैं बा, बा। नेक्स्ट है बा, जब आ की मात्रा लगी हुई हो बा के आगे तो लिखते हैं बी और ए बा, बी ए बा। नेक्स्ट है बी, तो बी को लिखेंगे बी और आई बी, बी और आई।
बी नेक्स्ट है बी बी डबल ई बी बी डबल ई बी नेक्स्ट है बू बू को लिखेंगे बी यू बू बी यू बू नेक्स्ट है बू तो बू को लिखेंगे बी डबल ओ बू बी डबल ओ बू नेक्स्ट है बे तो बे को लिखेंगे बी और ई बे बी और ई बे नेक्स्ट है बई तो बई को लिखेंगे बी ए आई बई नेक्स्ट है बो तो बो को लिखेंगे बी और ओ बो बी ओ बो नेक्स्ट है बो तो बो लिखेंगे बी ए यू बो नेक्स्ट है बन तो बन को लिखेंगे बी ए एन बन बी ए एन बन नेक्स्ट है बहा जब बिंदी लगी हुई है तो इसे इंग्लिश में लिखते हैं बी ए एच बहा बी ए एच बहा नेक्स्ट है भा के बारह खड़े तो भा को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं बी और एच के रूप में अगर नॉर्मल भा लिखना हो तो लिखेंगे बी एच भा बी एच भा नेक्स्ट है भा जब आ का डंडा लगा हुआ हो भा के आ गए तो लिखते हैं बी एच ए भा बी एच ए भा नेक्स्ट है भी तो भी को इंग्लिश में लिखेंगे बी एच आई भी बी एच आई भी नेक्स्ट है भी भी को लिखेंगे बी एस डबल ई भी बी एस डबल ई भी नेक्स्ट है भू भू को लिखेंगे बी एच यू भू बी एच यू भू नेक्स्ट है भू भू को लिखेंगे बी एस डबल ओ भू बी एस डबल ओ भू नेक्स्ट है भे तो भे को लिखेंगे बी एच ई भे बी एच ई भे नेक्स्ट है भई तो भई को इंग्लिश में लिखेंगे बी एच ए आई भई नेक्स्ट है भो भो को लिखेंगे बी एच ओ भो नेक्स्ट है भौ भौ को लिखेंगे बी एच ए यू भो नेक्स्ट है भन तो भन को लिखेंगे बी एच ए एन भन नेक्स्ट है भा तो भा को लिखेंगे बी एच ए एच भा फ्रेंड्स इसकी बार बार प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करने से ये होगा आप इजीली इनको लिख पाएंगे बोल पाएंगे और सीख भी पाएंगे और आपको कोई भी पैराग्राफ दे तो आपको इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे लिख पाएंगे इंग्लिश में और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वर्ड है माँ माँ के बारह खड़े माँ को इंग्लिश में प्रनाउंस करते हैं एम के रूप में माँ एम नेक्स्ट है माँ तो माँ को लिखेंगे एम और ए माँ एम ए माँ नेक्स्ट है मी मी को लिखेंगे एम आई मी नेक्स्ट है मी मी को लिखेंगे एम डबल ई मी नेक्स्ट है मू मू को लिखेंगे एम यू मू नेक्स्ट है मू मू को लिखेंगे एम डबल ओ मू नेक्स्ट है मे मे को लिखेंगे एम ई मे के रूप में मे को क्या लिखेंगे एम और ई मे नेक्स्ट है मई मई को लिखेंगे एम ए आई मई नेक्स्ट है मो मो को लिखेंगे एम और ओ के रूप में मो एम ओ मू नेक्स्ट है मऊ मऊ को लिखेंगे एम ए यू मऊ नेक्स्ट है मन मन को लिखेंगे एम ए एन मन नेक्स्ट है महा महा को लिखेंगे एम ए एच महा। नेक्स्ट वर्ड है या की बारह खड़ी या को प्रनाउंस करते हैं वाई के रूप में जैसे कि या लिखना हो नॉर्मल तो लिखेंगे वाई या वाई नेक्स्ट है या जब आ की मात्रा लगी हुई हो या के आगे तो लिखेंगे वाई और ए या नेक्स्ट है ई ई तो ई को लिखेंगे वाई और ई ई नेक्स्ट है ई ई को लिखेंगे वाई डबल ई ई नेक्स्ट है यू यू को लिखेंगे वाई यू यू नेक्स्ट है यू वाई डबल ओ यू y डबल ओ यू नेक्स्ट है ये को लिखेंगे y और e ये y e ये नेक्स्ट है यही यही को लिखेंगे y a i वही नेक्स्ट है यो यो को लिखेंगे y और o यो y o यो नेक्स्ट है यो यो को लिखेंगे y a u यो y a u यो नेक्स्ट है यन यन को लिखेंगे y a n यन नेक्स्ट है यहाँ तो यहाँ को लिखेंगे वाई ए एच यहाँ यहाँ एंड नेक्स्ट वर्ड है रा की बारह खड़ी तो रा को प्रनाउंस करते हैं आर के रूप में जैसे नॉर्मल रा लिखना हो तो लिखेंगे आर रा आर नेक्स्ट है रा जब मात्रा लगी हुई हो ए की तो लिखेंगे आर और ए रा आर ए रा नेक्स्ट है री तो री को लिखेंगे आर आई री आर और आई री नेक्स्ट है री तो री को लिखेंगे आर डबल ई री आर डबल ई वी नेक्स्ट है रू तो रू को लिखेंगे आर यू रू नेक्स्ट है रू तो रू को लिखेंगे आर डबल ओ रू नेक्स्ट है रे तो रे को लिखेंगे आर और ई रे आर ई रे नेक्स्ट है रई रई को लिखेंगे एट आर ए आई
रई आर ए आई रई। नेक्स्ट है रो, तो रो को लिखेंगे आर ओ रो। नेक्स्ट है रव, रव को लिखेंगे आर ए यू रव, आर ए यू रव। नेक्स्ट है रन, तो रन को लिखेंगे आर ए एन रन, आर ए एन रन। नेक्स्ट है रहा, तो रहा को लिखेंगे आर ए एच, आर ए एच रहा। नेक्स्ट है ला की वाराखड़ी, तो ला को प्रनाउंस करते हैं एल के रूप में, जैसे नॉर्मल ना लिखना हो तो लिखेंगे एल, ला एल। नेक्स्ट है ला, तो ला को लिखेंगे एल और ए ला। नेक्स्ट है ली, तो ली को लिखेंगे एल आई ली, एल आई ली। नेक्स्ट है ली, तो ली को लिखेंगे एल डबल ई ली, एल डबल ई ली। नेक्स्ट है लू, तो लू को लिखेंगे एल यू लू, एल यू लू। नेक्स्ट है लू, एल डबल ओ लू, एल डबल ओ लू। नेक्स्ट है ले, ले को लिखेंगे एल ई ले, एल ई ले। नेक्स्ट है लई, लई को लिखेंगे एल ए आई लई, एल ए आई लई। नेक्स्ट है लो, तो लो को लिखेंगे एल और ओ लो, एल ओ लो। नेक्स्ट है लव, तो लव को लिखेंगे एल ए यू लव, एल ए यू लव। नेक्स्ट है लन, तो लन को लिखेंगे एल ए एन लन। जब ला के ऊपर बिंदी लगी हुई हो तो ना के रूप में प्रनाउंस करते हैं एल ए एन लन। नेक्स्ट है लहा, तो लहा को लिखेंगे एल ए एच लहा, एल ए एच लहा। एंड नेक्स्ट वर्ण है हमारा वा की वाराखड़ी, वा को प्रनाउंस करते हैं वी के रूप में, जैसे कि नॉर्मल वा लिखना हो तो लिखते हैं वी, वा वी। नेक्स्ट है वा, जब आ की मात्रा लगी हुई हो वा पर तो लिखते हैं वी और ए वा, वी ए वा। नेक्स्ट है वी, तो वी को लिखेंगे वी और आई वी, वी आई वी। नेक्स्ट है वी, वी को लिखेंगे वी डबल ई वी, वी डबल ई वी। नेक्स्ट है वो, तो वो को लिखेंगे वी यू वो, वी यू वो। नेक्स्ट है वो, तो वो को लिखेंगे वी डबल ओ वो, वी डबल ओ वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वे, तो वे को लिखेंगे वी और ई वे, वी ई वे। नेक्स्ट है वाई, तो वाई को लिखेंगे वी ए आई, वी ए आई वाई। नेक्स्ट है वो, तो वो को लिखेंगे वी और ओ वो, वी ओ वो। नेक्स्ट है वाओ, वाओ को लिखेंगे वी ए यू वाओ, वी ए यू वाओ। नेक्स्ट है वन, जब भी वा के ऊपर बिंदी लगी हुई हो तो ना के रूप में प्रनाउंस करते हैं तो लिखते हैं वी ए एन वन, वी ए एन वन। नेक्स्ट है वहा, तो वहा को प्रनाउंस करते हैं वी ए एच, वी ए एच वह, वी ए एच वह। एंड नेक्स्ट वर्ण है शाह की वाराखड़ी, शाह को प्रनाउंस करते हैं एस एच के रूप में, जैसे नॉर्मल शाह लिखना हो तो लिखेंगे एस एच शाह, एस एच शाह। नेक्स्ट है शाह, जब आ का डंडा लगा हुआ हो शाह के आगे तो लिखेंगे एस एच ए, एस एच ए शाह। नेक्स्ट है शी, तो शी को प्रनाउंस करते हैं एस एच आई के रूप में, शी, एस एच आई शी। नेक्स्ट है शी, एस एच डबल ई, एस एच डबल ई शी। नेक्स्ट है शू, तो शू को प्रनाउंस करते हैं एस एच यू के रूप में, शू, एस एच यू शू। नेक्स्ट है शू, तो शू को लिखेंगे एस एच डबल ओ, एस एच डबल ओ शू। नेक्स्ट है शे, तो शे को लिखेंगे एस एच ई शे, एस एच ई शे। नेक्स्ट है शाई, तो शाई को लिखेंगे एस एच ए आई, एस एच ए आई शाई। नेक्स्ट है शो, तो शो को लिखेंगे एस एच ओ शो, एस एच ओ शो। नेक्स्ट है शव, तो शव को लिखेंगे एस एच ए यू, एस एच ए यू शो। नेक्स्ट है शन, तो शन को लिखेंगे एस एच ए एन, एस एच ए एन शन। नेक्स्ट है शाह, जब भी दो बिंदी लगे हुए हों छाकर आगे तो उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं तो लिखते हैं एस एच ए एच, एस एच ए एच शाह। एंड नेक्स्ट वर्ड है षटकोण वाला शाह, तो इसे भी हम प्रनाउंस करते हैं एस एच के रूप में, शाह, अगर नॉर्मल शाह लिखना हो तो लिखते हैं एस एच शाह। नेक्स्ट है शाह, जब अकडंडा लगा हुआ हो तो लिखते हैं एस एच ए शाह, एस एच ए शाह। नेक्स्ट है शी, तो शी को लिखेंगे एस एच आई शी, एस एच आई शी। नेक्स्ट है शी, तो शी को लिखेंगे एस एच डबल ई, एस एच डबल ई शी। नेक्स्ट है शू, तो शू को लिखेंगे एस एच यू शू, एस एच यू शू। नेक्स्ट है शू, शू को लिखेंगे एस एच डबल ओ, एस एच डबल ओ शू। नेक्स्ट है शे, तो शे को लिखेंगे एस एच ई एच ई शे। नेक्स्ट है शाई, तो शाई को लिखेंगे एस एच ए आई, एस एच ए आई शाई। नेक्स्ट है शो, तो शो को लिखेंगे एस एच ओ शो, एस एच ओ शो। नेक्स्ट है शव, तो शव को लिखेंगे एस एच ए यू शव, एस एच ए यू शव। नेक्स्ट है शन, तो शन को लिखेंगे एस एच ए एन शन, एस एच ए एन शन। एंड शाह, शाह को लिखेंगे एस एच ए एच
एस एच ए एच शाह, एंड नेक्स्ट वर्ड है सा की बारह खड़ी, तो सा को प्रनाउंस करते हैं एस के रूप में, अगर नॉर्मल सा लिखना हो तो लिखेंगे एस, स एस, नेक्स्ट है सा जब अकड़ना लगा हुआ हो तो लिखते हैं एस और ए, स, नेक्स्ट है सी, तो सी को लिखेंगे एस आई सी, एस आई सी, नेक्स्ट है सी, तो सी को लिखेंगे एच डबल ई सी, एच डबल ई सी, नेक्स्ट है सू, तो सू को लिखेंगे एस यू सू, एस यू सू, नेक्स्ट है सू, तो सू को लिखेंगे एस डबल ओ सू, एस डबल ओ सू, नेक्स्ट है से, तो से को लिखेंगे एस ई से, एस ई से, नेक्स्ट है सही, तो सही को लिखेंगे एस ए आई, एस ए आई सही, नेक्स्ट है सो, तो सो को लिखेंगे एस ओ सो, एस ओ सो, नेक्स्ट है सो, सो को लिखेंगे एस ए यू, एस ए यू सो, नेक्स्ट है सन, तो सन को लिखेंगे एस ए एन सन, एस ए एन सन, नेक्स्ट है सह, अब लिखेंगे एस ए एच, एस ए एच सह, एंड नेक्स्ट वर्ड है हा की बारह खानी, हा को लिखते हैं एच के रूप में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, तो हा को प्रनाउंस करेंगे एच के रूप में, जैसे कि नॉर्मल हा लिखना हो तो लिखेंगे एच, हा एच, नेक्स्ट है हा, तो हा को लिखेंगे एच और ए, हा, नेक्स्ट है ही को लिखेंगे एच आई ही, एच आई ही, नेक्स्ट है ही को लिखेंगे एच डबल ई ही, एच डबल ई ही, नेक्स्ट है हु को लिखेंगे एच यू हु, एच यू हु, नेक्स्ट है हु को लिखेंगे एस डबल ओ हु, एस डबल ओ हु, नेक्स्ट है हे को लिखेंगे एच और ई, एच ई हे, नेक्स्ट है हई को लिखेंगे एच ए आई हई, एच ए आई हई, नेक्स्ट है हो को लिखेंगे एच ओ हो, एच ओ हो, नेक्स्ट है हाउ, हाउ को प्रनाउंस करेंगे एच ए यू हाउ, एच ए यू हाउ, नेक्स्ट है हन, हन को लिखेंगे एच ए एन, ए एन हन, हाथ के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ना के रूप में प्रनाउंस करते हैं हन, नेक्स्ट है हा, हा को लिखेंगे एच ए एच, एच ए एच हा, नेक्स्ट वर्ड है शा, शा की पारा खड़े, जब भी हम इस शा को लिखते हैं तो के जो होता है वो साइलेंट होता है और प्रनाउंस क्या होता है शा के रूप में, जैसे कि नॉर्मल शा लिखना हो तो लिखेंगे के एस एच शा, के एस एच शा, नेक्स्ट है शा जब आ की मात्रा लगी हुई हो तो लिखेंगे के एस एच ए, तो के जो है वो साइलेंट है शा में, तो लिखेंगे के एस एच ए, के एस एच ए शा, नेक्स्ट है शी, तो शी को लिखेंगे के एस एच आई, के एस एच आई शी, के एस एच आई शी, नेक्स्ट है शी, तो शी को लिखेंगे के एस एच डबल ई, के एस एच डबल ई शी, नेक्स्ट है शू, तो शू लिखेंगे के एस एच यू, के एस एच यू शू, नेक्स्ट है शू, तो शू लिखेंगे के एस एच डबल ओ, के एस एच डबल ओ शू, नेक्स्ट है शे, तो शे को लिखेंगे के एस एच ई, के एस एच ई शे, नेक्स्ट है शई, तो इंग्लिश में लिखेंगे के एस एच ए आई, के एस एच ए आई शई, नेक्स्ट है शो, तो शो को लिखेंगे के एस एच ओ, के एस एच ओ शो, नेक्स्ट है शव, तो शव लिखेंगे के एस एच ए यू, के एस एच ए यू शो, नेक्स्ट है शन, तो शन को लिखेंगे के एस एच ए एन, के एस एच ए एन शन, नेक्स्ट है शाह, इंग्लिश में लिखेंगे के एस एच ए एच, के एस एच ए एच शाह, तो शाह हा के बिंदु प्रनाउंस हो रही है दो बिंदु, तो उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं शाह, नेक्स्ट है त्रा, त्रा की बारह खड़ी, त्रा मतलब होता है त्रिशूल, तो त्रा को लिखते हैं टी और आर के रूप में, नॉर्मल त्रा लिखना है तो लिखेंगे टी और आर त्रा, नेक्स्ट है त्रा, तो त्रा को लिखेंगे टी आर ए त्रा, टी आर ए त्रा, नेक्स्ट है त्री, तो त्री को लिखेंगे टी आर आई त्री, टी आर आई त्री, नेक्स्ट है त्री, तो त्री को लिखेंगे टी आर डबल ई त्री, टी आर डबल ई थ्री, नेक्स्ट है थ्रू, थ्रू को लिखेंगे टी आर यू, टी आर यू थ्रू, नेक्स्ट है थ्रू, थ्रू को लिखेंगे टी आर डबल ओ थ्रू, टी आर डबल ओ थ्रू, नेक्स्ट है त्रे, तो त्रे को लिखेंगे टी आर ई त्रे, टी आर ई त्रे, नेक्स्ट है त्रई, त्रई को लिखेंगे टी आर ए आई, टी आर ए आई त्रई, नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो को लिखेंगे टी आर ओ थ्रो, टी आर ओ थ्रो, नेक्स्ट है त्रो, त्रो को लिखेंगे टी आर ए यू, टी आर ए यू त्रो, नेक्स्ट है त्रन, लिखते हैं टी आर ए एन, टी आर ए एन त्रन, नेक्स्ट है त्रहा,
त्राहा मतलब जो दो बिंदु में लगी हुई है उसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं, तो लिखते हैं TRAH त्राहा। लास्ट वर्ड है ग्या, ग्या की 12 खंड, तो ग्या को प्रनाउंस करते हैं जी और वाई के रूप में ग्या। जैसे नॉर्मल ग्या लिखना हो तो लिखेंगे जी वाई ग्या। नेक्स्ट है ग्या, जब आ की मात्रा लगी हुई हो तो लिखते हैं GYA ग्या। नेक्स्ट है घी, तो घी को लिखेंगे GYI घी। नेक्स्ट है घी GYEE घी GYEE घी। नेक्स्ट है गु, गु को लिखेंगे GYU गु। नेक्स्ट है गु, तो गु को लिखेंगे GYOO गु। नेक्स्ट है गे, तो गे को लिखेंगे GYE गे। नेक्स्ट है गई, गई को लिखेंगे GYAI गई। नेक्स्ट है ग्यो, ग्यो को लिखेंगे GYO ग्यो। नेक्स्ट है ग्यो, ग्यो को लिखेंगे GYAU ग्यो। नेक्स्ट है ग्यन, ग्यन को लिखेंगे GYAN ग्यन। ग्या के ऊपर ना की बिंदी लगी है तो इसलिए इसे प्रनाउंस करेंगे ग्यन के रूप में। नेक्स्ट है ग्या, तो जब ग्या के आगे हा की बिंदी लगी हुई है मतलब दो बिंदी लगी हुई है तो इसे हा के रूप में प्रनाउंस करते हैं, तो इंग्लिश में लिखते हैं GYAH ग्या। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है श्रा, श्रा की 12 खड़ी। श्रा को प्रनाउंस करते हैं इंग्लिश में SHR के रूप में श्रा। अगर नॉर्मल श्रा लिखना हो तो लिखेंगे SHR श्रा, SHR श्रा। एंड नेक्स्ट श्रा, श्रा को लिखेंगे SHRA श्रा, SHRA श्रा। नेक्स्ट श्री, तो श्री को लिखेंगे SHRI श्री। नेक्स्ट श्री, तो श्री को लिखेंगे SHRE श्री। नेक्स्ट श्रु, श्रु को लिखेंगे SHRU श्रू। नेक्स्ट श्रू, तो श्रु को लिखेंगे SHRO श्रू। नेक्स्ट श्रेय, तो श्रेय को लिखेंगे SHRE श्रेय। नेक्स्ट है श्रेय, तो श्रेय को लिखेंगे SHRAI श्रेय। नेक्स्ट श्रो, श्रो को लिखेंगे SHRO श्रो। एंड नेक्स्ट है श्रव, श्रव को लिखेंगे SHRAU श्रो, SHRAU से श्रन, तो श्रन को लिखेंगे SHRAN श्रन। एंड नेक्स्ट है श्रह, श्रह को लिखेंगे SHRAH श्रह। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या सीखा, का से ज्ञा तक 12 खड़ी में अंग्रेजी में और हिंदी में, इसको आप लिख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे और इजीली कन्वर्ट भी कर पाएंगे अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके नोट्स भी बना लेंगे। नोट्स बनाने से हो जाए कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इनको लर्न कर पाएंगे और कोई भी पैराग्राफ हो हिंदी में उसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और कमल और किरण की इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बंद भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।